अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। सामीन और नाजरीन और हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपने पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा रूबरू इश्क था कि एपिसोड नंबर 25 देखी है, जिसमें इंस्पेक्टर वहाज अहमद बहन की मोहब्बत में पागल उसको हर सूरत बचाना चाहता है। उधर इंस्पेक्टर जहां जेब को भी शक हो जाता है कि ये बेशक कत्ल वहाज के पिस्टल से हुआ था, मगर वहाज के साथ साथ शरीक जुर्म कोई और भी है। जब वह शक की बिना पर अयान का नाम लेता है तो वहाज अहमद फ़ौरन कहता है वो तो पागल है। अलमीर घर वालों को इस सारे किस्से से दूर रखता है, लेकिन अलमीर की माँ चाहती है अलमीर मुराद अयान से शादी कर ले, मगर उसका नाम सुनते ही भड़क उठता है। अयान अलमीर के सामने इतराफ़ जुर्म कर लेती है कि सलवा से शादी के वक्त उसने ही असल में गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली उसने सलवा के बाप को नहीं बल्कि अलमीर पर चलाई थी और वो जिसके बदले में उसका बाप मर गया। अलमीर गुस्से में आ जाता है और अयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसको बचा लेती है। अलमीर अयान को आईना दिखाता है, ये उसकी मोहब्बत नहीं खुदगर्जी है, मोहब्बत तो देने का नाम है छीनने का नहीं। मगर आया जो खुदगर्जी की सारी हदें पार कर चुकी होती है कहती है तुम मेरी ज़िद हो। अलमीर जेल में वहाज से कहता है मैं सच जान गया हूँ और तुम क्यों किसी का इल्ज़ाम अपने सर पर लेते हो। वहाज अलमीर के आगे हाथ जोड़कर कहता है उसकी बहन का नाम ना लो, लेकिन अलमीर कहता है कभी मैंने भी तुम्हारे इसी तरह हाथ जोड़े थे, लेकिन तुमको मेरे ऊपर रहम नहीं आया था। अलमीर से नाकामी की सूरत में आयान एक बार फिर सलवा को घर बुलाकर उसके ऊपर पिस्तौल तान लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है और उसको कहती है सिर्फ तुम्हारी ही वजह से अलमीर मुझसे दूर है, वरना वो तो सिर्फ मेरा था और मैं उसके लिए थी। तुम ही फसाद की जड़ हो, तुम्हारे बाप को नहीं तुमको मरना चाहिए था। सलवा जो अयान की मदद के लिए आती है ये सब कुछ सुनकर सदमे से निढाल हो जाती है और कहती है तुमने मेरे बाप को मारा है, तुम मेरे बाप की कातिल हो। उधर अयान की जहनी कैफियत समझते हुए इंस्पेक्टर जहाँ से पुलिस के साथ उसके घर रेड करता है कहीं वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे, वो एक जुनूनी लड़की है। अयान जमाने पर घर आता है और सलवा से माफ़ी मांगना चाहता है, मगर उसकी माँ उसको बुरा भला कहकर फ़ोन बंद कर देती है। पुलिस के साथ अलमीर भी अयान के घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसने सलवा के ऊपर पिस्तौल ताना हुआ है तो सबको पीछे करके खुद उसको बातों में लगा लेता है और उसको वो कहता है मोहब्बत वो नहीं जिसका तू दावा करती है, मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है, वो कुर्बानी जो सलवा ने दी। अयान खुद को शूट कर लेती है, वो ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अयान की लाश देकर वहाज अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता और सलवा को बुरा भला कहता है और रोते हुए कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। सारे फसाद की जड़ तुम हो, मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदार भी तुम हो। सलवा मजीद शौक सदमे में चली जाती है कि सारे मामले में उसका क्या कसूर है, उसने क्या किया है। अब देखना यह है क्या सलवा को वह हाथ से तलाक मिल जाती है, उसकी शादी अलमीर से हो जाती है, क्या मोहब्बत जीत जाती है, या वहाज बदले की आग में जलकर उसको सूली पर लटकाए रखता है। देखिए एपिसोड 26। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी, लाइक भी और कमेंट्स भी।